हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास एट हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा, चैप्टर का नाम है ममता। ममता कौन है? रूतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई होती, ये चूड़ामणि की पुत्री ममता है। इसके बारे में बताया गया है, इसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है बेटा इस चैप्टर में, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है ममता। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देखकर, ममता विधवा थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए और वो सुख के कंटक सहन से विकल थी। वो रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामण की पुत्री थी और उसको उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव है, क्योंकि वो एक विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत। तो चूड़ामणि ने उसके दुर्ग पर प्रवेश करते हैं और उसको उसके लिए कुछ उपहार लेके आते हैं। तब ये ममता मना कर देती है, कहती पिताजी ये किसके लिए है, ये आप हमारे लिए क्यों लेके आए हैं। तो चूड़ामणि कहता है बेटा, अगर चूड़ामणि ने कहा कि उसने कहा कि इससे इसकी चमक से संध्या के विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक गई, उसका स्वर्ण ये कहाँ से आया, वो अपने पिताजी से पूछती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये इसको स्वीकार कर लो, ये अनर्थ मत करो कि इसको लौटाओ। और पिताजी, वो कहती है पिताजी नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। और वो अपने पिताजी से कहती है कि ये वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उसके पिताजी कहते बेटा ये विपत्ति के लिए है, तो वो मना कर देती है। वो कहती है ये सब ले जाओ, मुझे सोने की चमक मुझको अंधा बनाती है। तो चूड़ामणि मूर्ख कहकर उसको चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो चूड़ामणि देखते हैं कि रोहतास दुर्ग के तोड़ पर डोलियाँ आती जा रही थी। डोलियों का आवरण उसने डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने कहा ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गई और वो उसके पिताजी वहीं चूड़ामणि मारे गए। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ामणि क्या अपने गुलमों के ढके हुए ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूत क्रीम की अपने आप को शीतल बना रही थी। अब जब वो वहीं पे लड़ते लड़ते मारा जाता है तो वो देखती है धीरे धीरे और भीषण आकाश हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने वो खड़ी रहती है। वो स्त्री उठी और उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्चर्य चाहिए। उसने कहा तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। और उस रात वो आगे जाने में असमर्थ था। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपना ओट काट लिया। हाँ माता, परंतु तुम तो वैसे ही क्रूर हो, वैसे भीषण रक्त की प्यास, निष्ठुर। और उसने ये कहते कहते उसका गला सूख रहा था, साथी छूट गया, सुगिर पड़ा। उसने कहा मैं इतना थका हुआ हूँ। वो कौन था? वो राजा था। उसने ममता से शरण मांगी रुकने के लिए, उसने मना कर दिया। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए कि बेटा आपका होमवर्क है ये शब्दार्थ, आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।